वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट नाज एक्वेरियम इन कुरला और इस वीडियो में हम एक्वेरियम फिल्टर्स और एक्वेरियम एयर पंप्स कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारे एक्वेरियम फिल्टर्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, जैसे कि यहाँ पर कैनिस्टर फिल्टर से लेकर इंटरनल फिल्टर से लेकर टॉप फिल्टर से लेकर सबमर्सिबल फिल्टर, हैंग ऑन फिल्टर, ये सब अवेलेबल है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में नाज एक्वेरियम की वेबसाइट लॉन्च हुई है, nazaquarium.com। अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको कोई भी एक्वेरियम प्रोडक्ट, चाहे फ़िल्टर, फिश फूड हो, आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। जैसे कि आप ये होम पेज पे अगर कैटेगरीज में फ़िल्टर्स पे जाओगे तो जितने भी इनके पास फ़िल्टर्स अवेलेबल है वो सब आपको इस पर दिख जाएंगे। एयर पंप से लेकर कैनिस्टर फ़िल्टर से लेकर हैंग ऑन फ़िल्टर, ये सब आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो nazaquarium.com चेकआउट कीजिए। इसकी जो लिंक है मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको फ्री होम डिलीवरी चाहिए, चाहे आप एक ऑर्डर करें चाहे आप 10 ऑर्डर करें, आपको टोटल फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। तो यहाँ पर है परवेश भाई जो हमको इन फिल्टर्स के प्राइजेस भी बताएंगे, राइट परवेश भाई? राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है, तो कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? सोबो से शुरू करते। ओके। ये सोबो का एकदम छोटा फिल्टर है, 4 वोट का। अच्छा। जिसका टैंक 1 फीट का है या बड़ा बाउल है, 14 इंच का, 16 इंच का, 12 इंच का, तो ये फिल्टर उसमें लगा सकते। ओके। और ये उस एक साइज़ बड़ा है, जैसा 1.5 फुट का टैंक है आपका, उसके लिए ये लगा दो। ये आपको 250 का आएगा और ये 200 का आएगा, और ये 15 वाट के फिल्टर से ये आपको आ जाएंगे 300 रुपीज़ के सोबो के, और RS के आएंगे 15 वाट के 250 रुपीज़ के, RS के एक्वा स्पीड के। और ये 902 है, ट्रांसपेरेंट बॉडी, किसी को ब्लैक बॉडी नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉडी चाहिए। और प्लांटेशन टैंक है तो उसमें ये स्लो मोशन से फिल्टर होता है, और इसमें इसका जो प्रेशर मारने का पाइप है इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेशर से मच्छी डिस्टर्ब वगैरह नहीं होगी। जी। ये 550 रुपीज़ का प्राइस है इसका। जी, यहाँ पे मैं क्लोजली दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटलेट है इसको आप या तो ऊपर कर सकते हैं या तो स्ट्रेट कर सकते हैं। याद रखिए फिशेस को ज़्यादा फ्लो पसंद नहीं है, अगर आपके पास छोटे फिशेस है या अगर आपके पास छोटी टैंक है तो ये आप ऊपर कीजिए, बिकॉज अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो फिशेस डिस्टर्ब हो सकती है, स्ट्रेस में जा सकती है, इसलिए फ्लो हर एक फिशेस को पसंद नहीं है। प्रोवाइडेड अगर आपके पास बड़ा टैंक है तो फ्लो ठीक है आप रख सकते हैं, पर अगर आपके पास छोटा टैंक है या छोटे फिशेस है तो फ्लो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये दिया हुआ है। जी आगे। ये सोबो के 3000 है, 25 वाट्स के। ओके। और मैक्सिमम फ्लो इसका 1200 लीटर है। अच्छा। तो ये आप जैसा आपका ज़्यादा हाइट है, 3 फुट का टैंक है, 2 फुट का हाइट है, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। इसका प्राइस है 450 रुपये। ओके। अब ये दूसरा है ट्रांसपेरेंट बॉडी बिग साइज में। जी। 40 वाट्स का है। ओके। और इसका मैक्सिमम फ्लो है 2800 लीटर का, तो ये आप 4 फुट में लगा सकते, 5 फुट में लगा सकते, और ज़्यादा हाइट वाला टैंक है तो फिर ये भी लगा सकते हो। अच्छा, ये तो देख रहा हूँ मैं बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से इसकी हाइट ही 3 फुट तो रहेगी आराम से। नहीं नहीं, इसकी हाइट है 18 इंच है फिल्टर का हाइट, तो अच्छा। ये आपको जैसा 2 फुट हाइट का टैंक है, 3 फुट हाइट का टैंक है, 2.5 फुट हाइट का टैंक है, ओके। तो उसके अंदर ये बहुत आसानी से लग जाता है। इस फिल्टर की हाइट क्या रहेगी? ये फिल्टर की हाइट है ना 18 इंच है। अच्छा, 1.5 फुट। 1.5 फुट, ओके। ये तो दूर से बहुत बड़ा फिल्टर दिख रहा है, ये देखिए, बाप रे बहुत बड़ा फिल्टर है। ये 18 से 20 इंच का फिल्टर है। ओके। ये 3 कैनिस्टर वाला फिल्टर है, 1, 2, 3, और इसमें साइड्स में दिया हुआ है, सारे कचरे साइड से खींच लेगा। इस फिल्टर की हाइट आप दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा लिफ्ट करके इसे, सो ये देख सकते हैं, ये फिल्टर है, इसको देख सकते हैं, इसमें साइड्स में गैप दिया है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है कि जब फिल्टर बंद करके धोने के लिए बाहर निकालते हैं तो कचरा छोड़ देता है। जी। तो इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये कचरा छोड़ नहीं पाएगा, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में ही दिया है, सामने कुछ होल्स वगैरह दिया नहीं है। ओके। तो ये एकदम बेस्ट फिल्टर है ज़्यादा हाइट्स वाले टैंकों के लिए। ओके, ठीक है। तो इसकी प्राइस क्या है? ये 700 का है, 501 700 का है, और ये 6001 है, ये 800 रुपीज़ का है, जो सबसे बड़ा वाला फिल्टर है। सबसे बड़ा वाला 800 रुपीज़ का है। ओके। तो सोबो के मेरे ख्याल से इंटरनल फिल्टर्स हमने देख ली, अब RS के देखते हैं इंटरनल फिल्टर्स। ये RS के इंटरनल फिल्टर है, 20 वाट का, इसमें RS का 15 वाट का आता है 250 रुपीज़ का, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, 2 दिन में आ जाएगा। और ये है 20 इंच के, 20 वाट के RS के फिल्टर।
ओके आरएस के फिल्टर भी बहुत अच्छे हैं और सोबो से कम प्राइस रेंज में। ओके ये 400 का है, 3003 20 वॉट के फिल्टर है ये, और ये 3 फुट के टैंक 4 फुट के टैंक में आसानी से लग जाती। ओके और इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है, जैसा सोबो में ट्रांसपेरेंट बॉडी था वैसे अभी आरएस में ट्रांसपेरेंट बॉडी आ रहा है 30 वॉट के। इसके अंदर भी ऐसा फ्लो किया है कि आप इसको ऊपर नीचे कर सको जी, एडजस्टेबल आउटलेट। ये 550 रुपये का आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। ओके ये उससे एक साइज बड़ा है, जैसा ये 2 कंटेनर का है ये 3 कंटेनर का है, 3310E। ओके ये भी 30 वॉट का है, ये भी 30 वॉट का है, ये 650 का आएगा आपको, ये 550 का आएगा। ओके ऑलराइट, तो हम बाद में कैनिस्टर फिल्टर्स देख लेंगे, इनके पास बहुत सारे कैनिस्टर फिल्टर्स हैं। इंटरनल फिल्टर्स हमने सोबो और आरएस के देख लिए, तो यहाँ पर टॉप फिल्टर्स देखते हैं सोबो के। यहाँ पे है ये बड़ा टॉप फिल्टर, ये बड़ा टॉप फिल्टर है 40 वॉट्स का है, WP3880F, ये आपको 850 रुपये का आएगा। ओके उसके बाद उससे छोटा है 25 वॉट का, ये आपको 600 रुपये का आ जाएगा, 600 रुपये का आएगा, 600 रुपये का आएगा 25 वॉट के, और ये 15 वॉट के 880 के ये आपको 450 रुपये का आ जाएगा। ओके तो ये जो 3 टॉप फिल्टर्स है आपके पास में, ये बताइए ये जो सबसे बड़ा है कितने फीट के टैंक के लिए जाएगा? ये 4 फुट तक लगेगा आपको, ये 3 फुट से 2.5 फुट तक चलेगा, ये 1.5 फुट 2 फुट कवर कर लेगा। ओके ऑलराइट, उसके बाद में ये सोबो के एक ऑटो फीडर है। ओके जैसे अपन बाहर जाते हैं घर के अंदर कोई नहीं है ऑटोमेटिक फीडर फीडिंग देने के लिए, तो ये ऑटो फीडर है ऑटोमेटिक, ये आप लगा के इसके अंदर फीड वगैरह डाल के जा सकते हैं। okay. इसमें 2 सेटिंग आता है, एक 12 घंटे में खाना गिरने का और एक 24 घंटे में फीडिंग गिरने का जी। तो ये लगा करके आप इत्मीनान से कहीं भी जा सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पास सबमर्सिबल पंप है सोबो के? हाँ ये सोबो के सबमर्सिबल पंप है, ये आपको मॉडल नंबर है 1250 के है उधर, और ये 1650 के 2550 के। ओके तो ये जो कभी कभी टॉप फिल्टर का हेड खराब हो जाता है, तो आपको पूरा किट लेने का ज़रूरत नहीं, आप खाली हेड से भी काम चला सकते हैं। तो ये 1650 नंबर है 25 वॉट का, ये आपको आ जाएगा 500 रुपये का, और ये है 35 वॉट का, जो आपने 3880 का देखा वो 40 वॉट का है, उसमें ये अटैच कर सकते हैं आप 35 वॉट का, 700 रुपीस का है। ओके और यहाँ पर है आपके पास आरएस के वाटर स्टाइल बायोफिल्टर जो हैंग ऑन फिल्टर होते हैं? ये आरएस के हैंग ऑन बैक फिल्टर है, इसको एक्वास्केपिंग में प्लांटेशन के टैंक के लिए एकदम सूटेबल है। तो आपका अगर 1 से 1.5 फुट का टैंक है तो ये लगा दो, 2 से 2.5 फुट का है तो ये लगा दो, और बड़े टैंक है तो इसके बड़े मॉडल्स आते हैं 3000 नंबर 4000 नंबर जो यहाँ ऊपर रखे हुए। ओके हाँ ये आप उसमें लगा सकते हैं, विदाउट कवर में ये फिल्टर लगता है, आपको कवर नहीं रखना पड़ेगा। तो इंटरनल टॉप फिल्टर हैंग ऑन फिल्टर के बाद हम लोग आपको दिखा रहे कैनिस्टर फिल्टर्स, तो इनके पास आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के कैनिस्टर फिल्टर्स है, छोटे टैंक से लेकर एकदम जायंट टैंक के लिए। एंड EM इज, ये जो EM ब्रांड है ये वन ऑफ द बेस्ट कैनिस्टर फिल्टर ब्रांड्स है इन द वर्ल्ड, काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी पॉपुलर जाना माना और प्रूवन ब्रांड है ये। तो सबसे पहले भाई सनसन के बारे में बताइए, सनसन मैंने खुद क्योंकि पर्सनली यूज़ किया है मेरे 3 फिल्टर्स में सनसन के, 304A, B और 303 है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, सस्ते में मस्त फिल्टर है ये। तो अभी आपके पास कौन से मॉडल्स अवेलेबल है ये बताइए? सनसन के मेरे पास सारे मॉडल्स अवेलेबल है, ये 1000 लीटर कैपेसिटी के 302, जैसा आपका 3 फुट का टैंक है विदाउट UV लगा सकते हैं आप, 302 3 फुट के टैंक को जाएगा, ये 1000 लीटर कैपेसिटी है, कभी भी जो टैंक का कैपेसिटी फिल्टर का कैपेसिटी उससे 3 गुना ज़्यादा चाहिए। ओके तो आप ये लगा सकते हैं, जिसका 300 लीटर का टैंक है तो ये फिल्टर उसमें एकदम सूटेबल है। उसके बाद आप आओगे तो आरएस सनसन के अंदर है ना, एक 303A आता है, एक 303B आता है, जो ए सीरीज का फिल्टर्स आते हैं जी वो विदाउट यूवी लाइट रहती है, और जो बी सीरीज का फिल्टर आते हैं उसके अंदर आपको इनबिल्ट यूवी लाइट मिलेगी। राइट तो वो आपको 1400 लीटर 2000 लीटर तक का अवेलेबल है। तो 303 कितने टैंक तक चलेगा, कितने साइज के टैंक के लिए? 303 जो है 1400 लीटर का है, तो जिसका टैंक समझो 5 फुट का है तो उसके अंदर वो आराम से लग जाएगा, और जिसका हाइट बड़ा है, लेंथ छोटा है, हाइट ज़्यादा है, ब्रेथ ज़्यादा है जी, तो वो वैसे जैसा टैंक का कैपेसिटी है वैसे 3 गुना बड़ा फिल्टर का कैपेसिटी होना चाहिए। ओके और ये जो 304 है ये
कितने साइज के टैंक के लिए चल जाएगा? ये 6 फुट 7 फुट का टैंक रहता है ना, बड़े बड़े टैंक, बड़े पॉन्ड्स रहते हैं, तो उसके अंदर भी ये चल जाते हैं। ये 2000 लीटर कैपेसिटी है जी। तो मैंने 304 भी अपने 8 फुट के टैंक के लिए लगाया, और 303 जो है मैंने वो अपने तो गोल्डफिश टैंक के लिए 3 फीट के टैंक के लिए लगाया। इनकी प्राइसेस कैसी है? ये है 4200 रुपये का 302 जी, और 303A जो है वो 5500 का है, और जो 303B है वो 6500 का है, और जो 304A है वो 7000 का है, और जो B है वो 8500 का। A और B में 1000 रुपये का डिफरेंस है। अच्छा, कोई भी सीरीज में सनसन के? ओके, तो ऊपर देख लेते हैं। EM तो आपके पास बहुत सारे है, तो शॉर्ट में बता दीजिए EM कौन से मॉडल्स है आपके पास? EMs के सारे मॉडल्स है, 250 नंबर है, 600 है, 2217, 2213, 2215, ऑल मॉडल्स अवेलेबल है जर्मन इसके EMs के। ये मेड इन जर्मनी है। जी जी जी, काफ़ी ये मतलब मेरे ख्याल से जैसे कि मैंने आपको बोला वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर ब्रांड्स है, और ये आपको ऐसे छोटे साइज़ के दिख रहे हैं, बट इनकी जो अगर हम कंपेयर करें डायरेक्ट, सनसन तो बहुत सस्ता आता है, तो अगर हम सनसन से कंपेयर करें तो इनके आराम से 3 to 4 times इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा। सो EM कैनिस्टर फिल्टर्स की अगर आपको प्राइस चेकआउट करने तो आप इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते। तो इनके पास एक्वा EL और RS के भी कैनिस्टर फिल्टर्स है, तो इनके बारे में बता सकते हैं आप? हाँ, अपने RS के 36 मॉडल नंबर के, ये 46 है, ये 56 है। ओके, 36 मॉडल नंबर है जो आपको 400 लीटर का आएगा, उसका प्राइस आपको आएगा 2500 रुपीस। 46 है, 3000 रुपीस का, 56 है, 3500 रुपये का। ओके, RS का और सनसन के मुकाबले में RS का बहुत चीप रेट में है। अच्छा, और मतलब कैनिस्टर्स में RS सबसे सस्ता है? कैनिस्टर में RS सबसे सस्ता है, और एक ये पोलैंड का एक्वा EL का। अच्छा जी, इसका भी मैंने नाम सुना है, मेड इन पोलैंड है। ओके, और ये भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त फिल्टर है। ओके, तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप के फिल्टर्स है, वो क्या आप बता सकते हैं हमको? ये हैंग ऑन कैनिस्टर आते हैं, ये है सादा हैंग ऑन है विथ स्कीमर। अच्छा, ये 450 रुपीस का है। ओके, फिर ये आपको देखने गए, ये HBL 801 है सनसन के। ओके, ये 1800 रुपये के आएंगे, और ये 802 है, ये 2000 रुपये के आएंगे। 803 इसमें आते हैं जो अभी नहीं है स्टॉक में जी, 2200 रुपये के आएंगे वो। और ये, ये इसका अपग्रेड मॉडल बनाया गया है, ये है हैंग ऑन बैक 500 नंबर सनसन के, ब्रांड नेम सनसन है इसका। ओके, ये आएगा आपको 1200 रुपये का, ये वाला 1200 का, ये 1200 रुपये का आएगा। उसके बाद ये है XBL 4000। ओके, ये अपग्रेड मॉडल है, जैसा मैंने आपको 801 802 बताया ना, उसका ये लेटेस्ट वर्जन है। ये 2200 रुपये का आएगा। साइज के टैंक के लिए जाते हैं ये आपको, जैसा 4 फुट टैंक है, 5 फुट टैंक है, एक्वा स्किपिंग किया हुआ है। तो ये बताइए सनसन के जो यहाँ पर है आपके पास, इनमें और इनमें क्या फर्क है? ये जो है वो कैनिस्टर फिल्टर है, जिसका जो डब्बा है बाहर रहेगा, दो इनलेट आउटलेट के पाइप है वो अंदर जाएंगे बराबर, और ये कैसा है जो टैंक के ऊपर हैंग हो जाएंगे। ओके, इसको आपको जमीन में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये डायरेक्ट टैंक में हैंग होके फिल्टर करेंगे। ओके, तो ये इतना सा 3 से 4 फुट के लिए जाता है? हाँ, 3 से 4 फुट के लिए ये जाएगा, 5 से 6 फुट के लिए ये जाएगा। ओके, तो इसकी प्राइस बता दीजिए। ये आपको 2500 का आएगा, ये 2200 रुपये का आएगा। और ये छोटा वाला? छोटा वाला ये आपको आएगा 1200 रुपये का। ओके, तो हमने इंटरनल फिल्टर्स, टॉप फिल्टर्स, सबमर्सिबल, हैंग ऑन, कैनिस्टर फिल्टर्स देख लिए, अब बारी आती है एयर पंप्स देखने की। तो यहाँ पर देखिए एयर पंप्स में भी इनके पास काफ़ी सारे मॉडल्स है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, तो ये रहे। और उसके बाद में यहाँ पर भी इनके पास देखिए एयर पंप है, सोबो के है, उसके बाद में RS के है। तो यहाँ पर बताइए एयर पंप्स कौन से हैं? ये एक्वा EL इसके, वीनस एक्वा के, वीनस एक्वा के 5 वाट के डबल आउटलेट है, सिंगल आउटलेट है, तो सिंगल आउटलेट आपको 120 रुपये का आ जाएगा जी, डबल आउटलेट आपको 200 रुपये का आ जाएगा। और ये RS के, ये वाले RS के 628A मॉडल नंबर है इसका, इसके अंदर आपको स्पीड कंट्रोल का बटन दिया हुआ है कि आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। okay. ये डबल आउटलेट है, ये आपको 250 रुपीज़ का आएगा, वीनस एक्वा से 50 रुपये महंगे है। ओके, डबल आउटलेट यानी देखिए आप दो एयर पाइप लगा सकते हैं और दो एयर स्टोन लगा सकते हैं। और इसमें सोबो का आएगा, वो भी आपको 250 रुपीज़ का आएगा। जी, और ये RS का, ये सोबो का है, ये सिंगल आउटलेट, ये सिंगल आउटलेट, ये कितने का आएगा? ये आपको 150 रुपये का आएगा, 108। इसमें 548 आएगा ट्रांसपेरेंट बॉडी, और 200 रुपये का। ओके,
ये आरएस का है, ये आरएस का है, 120 रुपए का एयर पंप है ये। ओके, और यहाँ पे ये भी 120 रुपए का एयर पंप चाहिए आपको। ओके, ये एक्वा वीनस का है 208A, ये भी 120 रुपीस का आएगा। ओके, तो यहाँ पे साइलेंट एक्वेरियम एयर पंप है, तो इसके बारे में भी परवेश भाई हमको बताएंगे आप। ये आरएस का 501 नंबर है। अच्छा, ये एकदम साइलेंट है, जैसा आप 120 का एयर पंप खरीदो, 150 का खरीदो तो वाइब्रेट करेगा, रात में सोने नहीं देगा आपको। जी, ये एकदम साइलेंट है, ये 300 रुपीस कॉस्ट प्राइस है इसका। अच्छा, और ये एकदम साइलेंट है, कैसा चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और क्या प्राइस है इसकी? 300 रुपीस का। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सा एक्वेरियम एयर पंप है आरएस इलेक्ट्रिकल का, तो ये क्या चीज़ है? ये ब्लोअर बोलते हैं, जैसा कि जो हैचरी वगैरह डालता है, रेजिंग करता है मच्छी को, एक टैंक पे उसको 30-40 टैंक चलाना है, तो उसके लिए ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये 17,000 नंबर का है, ये 5,000 का आता है, इसमें 16,000 का आएगा, 4,500 रुपये का, और इसके अंदर 15,000 नंबर का आएगा आपको। अच्छा, 3,000 रुपये का। तो इस एक एयर पंप पे बहुत सारे टैंक्स रन हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारे टैंक रन होते हैं। ओके, तो ये और एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इनके पास में, तो इसके बारे में बताइए। ये वाटर पंप है सर, सनसन के। अच्छा, तो ये कैसा है, पानी के अंदर भी चलते हैं, पानी के अंदर भी, मतलब सबमर्सिबल भी चल सकते हैं और पानी के बाहर भी चल सकते हैं। तो जिसका पॉन्ड वगैरह रहता है उसको पानी खाली करने के लिए इसमें आप पीवीसी पाइप अटैच करके इसको डिप करना है पानी में। ओके, और एक आउटलेट बाहर छोड़ देना, तो ये पानी खाली कर देगा। उसी तरह आपको ये पानी उतारने और पानी चढ़ाने दोनों के काम के लिए। अच्छा, दो यूज है इसके। क्या प्राइस में ये? ये 6,000 रुपये का है, सनसन के। ओके, तो यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये क्या है? ये वेव मेकर है, डबल वेव मेकर है। अच्छा, ये पानी में फ्लो बनाने के लिए काम में आता है, एक्वास्केपिंग में, मरीन में, फ्रेश वाटर में, दोनों में काम आता है। क्या कॉस्ट है? ये 850 रुपीस का है। यहाँ पर ये वाटर पंप है, 2200 नंबर के बड़े जी, ये 1400 नंबर है, 1600 नंबर है, पानी निकालता है। पानी निकालने के लिए टैंक से पानी बाहर फेंकने के लिए, टैंक में वापस पानी भरने के लिए, वाटर रिमूवर ऐड करने के लिए काम आता है, फाउंटेन्स के लिए, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस पे यूज आता हूँ। और यहाँ पे ये डॉल्फिन का क्या है? ये डॉल्फिन का साइलेंट एयर पंप है, ये सिंगल आउटलेट है साइलेंट एयर पंप। अच्छा, और ये डबल आउटलेट है साइलेंट एयर पंप। ओके, और ये एक चीज क्या है? ये मिंगजेंग इम्पोर्टेड टैंक का फिल्टर है। अच्छा, जैसा कोई फिल्टर टैंक का खराब हो गया तो आप अलग से फिल्टर मिलता है मार्केट में, वो लेकर के डाल सकते हैं। और ये सनसन का और एक यहाँ पर एयर पंप, ये सनसन का डबल आउटलेट का साइलेंट एयर पंप। ये कैसा आएगा? ये 550 रुपए का आएगा। ओके, और ये फिल्टर कुछ अलग दिख रहा है? ये इनर हैंग ऑन बैक फिल्टर है, पानी के अंदर, अभी जो हैंग ऑन बैक आपने देखा वो पानी के बाहर चलने वाला है, पानी के अंदर चलने वाला है। सपोज किसके कबाट में जगह नहीं रहता पीछे हैंग ऑन बैक लगाने के लिए, तो इंटरनल हो हैंग ऑन बैक लगा सकता है। ओके, और यहाँ पे ईएम का क्या प्रोडक्ट है? ये ईएम का ऑटो फीडर है। अच्छा, ईएम के हीटर से, ईएम के फिल्टर स्पंज है। ओके, तो यहाँ पर इनके पास बायोफिल्टर भी है, ये तो खैर स्मॉल बायोफिल्टर्स है जो एक फीट के टैंक के लिए चलते हैं, बट इनके पास बड़े बड़े जंबो जायंट बायोफिल्टर्स भी है जो आप मेरे ख्याल से 6 फीट या उससे ऊपर टैंक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इनकी प्राइस है 80 रुपीज़। अगर आपको इससे और बड़े चेकआउट करने तो आप nazakuram.com पर देख सकते हो इनके प्राइसेस। तो हमने इस वीडियो में देखे अलग अलग तरह तरह के एक्वेरियम फिल्टर, साथ ही एयर पंप्स भी चेकआउट करें। तो परवेश भाई ये बताइए, ये ड्राई सेक्शन की स्टोर टाइमिंग्स क्या क्या है? ये स्टोर टाइमिंग है सुबह 9 से लेके रात के 8:30 तक। ओके, और कोई अगर यहाँ से अगर डिलीवरी लेना चाहता है तो पॉसिबल? वेबसाइट बना दिए हमने, आप वेबसाइट पे ऑर्डर कर दो, आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया, कहीं का भी हो। ओके, कोई इंक्वायरीज करनी है तो आपके नंबर पे कर सकते हैं? नंबर पे कॉल कर सकते, व्हाट्सअप कर सकते सब। ओके, तो ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और प्राइजेस के बारे में जानकारी मिली होगी। तो इसमें से आपको कोई भी फ़िल्टर चाहिए वो आइधर आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हो या nazakuram.com पर ऑर्डर कर सकते हो, आपको फ्री होम डिलीवरी, टोटली फ्री होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। दिस वॉज नाज एक्वेरियम लोकेटेड एट नेहरू नगर इन कुरला ईस्ट मुंबई।